Bye. <laughs> जी गुरु जी को अलग आदेश मां भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आज दो कहानियां आप लोगों को अपने जीवन की सुनाऊंगा ये मेरे साथ घटित घटनाएं हैं ये दोनों घटनाएं बहुत अजीबोगरीब और जब मैं तंत्र के क्षेत्र में बहुत नया था तब की है आज से चार पांच साल पहले की कहानियां हैं और दोनों तभी हुआ जब मैं स्मशान क्रिया कर रहा था और अपने एक्सपीरियंस से ही मैं आप लोगों को बोलता हूं कि स्मशान से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है कथा शुरू होने से पहले एक वाक्य बताता हूं एक अघोरी हैं आप उनके पास जब भी जाओगे तो वो बोलेंगे कि मैं आपका काम कर दूंगा आप स्मशान में जा कर के शराब चढ़ा दो मतलब आप कोई भी हो स्मशान या शमशान के गेट पे जाओ और तीन बार मैं पूरा बोतल खाली कर दो शराब का इसका भुगत भोगी मैं भी रहा और मेरे आसपास भी रहे और तब मुझे समझ में आया कि अस्मशान खिलवाड़ नहीं होता है अस्मशान में जब कोई तांत्रिक या घोरी आपको बिना खुद जाए भोग देने के लिए कहता है इसका मतलब वो अपने किसी शक्तियों को आपके पीछे लगाने वाला है और इस तरीके का जब भी कुछ आप करोगे तो आपका जो वृद्धि है वो सुख शांति की वृद्धि हो धन की वृद्धि हो खास करके या पारिवारिक वृद्धि हो सारी रुक जाएगी अस्मशान और मसानी क्रियाओं से हमेशा गृहस्थ को थोड़ा दूर ही रहना चाहिए जबकि जब तक माँ काली या फिर भैरव की साधना ना हो वो भी बहुत अल्पकाल के लिए जाना चाहिए घटना एक बहुत ही जागृत मसान में हुई थी तो जब आप शुरू शुरू अघोर में आओगे ना तो जब शक्तियाँ आपके आसपास नाचती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मैं जलती चीता पर जब हवन करता था तो जिला के जितने तांत्रिक अघोरी थे वो खड़े होकर देखते थे और मुझे लगता था कि वाह मैं कितने हिम्मत वाला काम कर रहा हूँ मजबूत बंधन लगाता था ऐसे बंधन लगाता था कि आप भूत प्रेत छोड़ दो जो जब भैरव का आवाहन होता था तो स्वान भी उस घेरे के बाहर खड़े होकर रोते थे स्वान भी उस घेरे के अंदर नहीं आ पाते थे इतना मज़बूत घेरा और उसी स्मशान के बगल में छोटे बच्चों का स्मशान है मशान है वहाँ पे कई कब्रें हैं लेकिन हम वहाँ नहीं जाते थे क्योंकि हमें कलवा साधना करना नहीं था हम तो भगवती और भैरव की साधना के लिए जाते थे तो जब हम हवन करते थे ना तो बच्चों के रोने का आवाज़ आता था ठीक है औरतों के चित्कार का आवाज़ आता था और ये मैं करता था जान के ये दिखाने के लिए कि देखो मेरी कितनी शक्ति है तो मेरे साथ जो लोग जाते थे वो पूरे फैन फॉलोइंग में तब्दील हो जाते थे कि ये देखो हवन इसमें चीखने का आवाज़ आता है बाहर से बच्चों के रोने का आवाज़ आता है मतलब शक्तियाँ जागृत हो रही हैं हालांकि मैं वीरों की साधना करता था मैं भगवती की साधना करता था भैरव की साधना करता था और किसी भी निम्न स्तर के प्रेत का साधना मैं नहीं करता था लेकिन ये सब होता था मेरे साथ ऐसा चलता रहा मुझे कभी क्योंकि ऐसा मेरा बंधन था कि मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि कोई भी शक्तियाँ मुझे परेशान कर रही हैं। फिर मेरे जीवन में कुछ विचित्र घटने लगा घटना ऐसी होती थी कि मैं एक बार में कई काम में अपने आप को उलझा के रखता हूँ मुझे किसी को फ़ोन भी करना होता है मुझे चाय भी पीनी होती है मुझे पानी भी पीना होता है मैं एक किताब भी लिख रहा होता हूँ मैं एक किताब पढ़ भी रहता हूँ और जो अपना काम धाम है वो भी साथ में करता हूँ तो इसमें क्या होता था मेरे साथ कि कोई ना कोई काम मेरा रह जाता था उसमें ज़्यादा रहता था क्या खाना ही पीने ये जो है ये मैं भूल जाता था तो मैं कहीं बैठा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पानी पीना चाहिए लेकिन अभी काम करके मैं नहीं उठ पा रहा हूँ फिर अचानक थोड़ा सा चेतता था तो देखता था अच्छा पीछे बगल में ग्लास रखा हुआ पानी भर के तो मैं वो पी जाता था मुझे लगता था अच्छा काम में मैं इतना मशहूल हूँ कि मैंने पानी भी ले आया और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं पानी ले आया या फिर मैं एबसेंट माइंडेड में मैंने पानी ले आया कई बार सोचता था कि उस समय अकेले रहता था मैं सोचा अरे गैस बंद करना है थोड़ी देर बाद जाता था तो गैस बंद मिलता था तो मुझे लगता था देखो कितना एबसेंट माइंडेड होता जा रहा हूँ मैं मैं खुद को ही ब्लेम कर रहा था कि मैं इतने चीज़ों में खुद को अपना अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ जिसके चलते मुझे अब चीज़ें याद नहीं रह रही हैं ऐसे मुझे लगा लेकिन उसके बाद कुछ और हैरत होने लगा तो आप लोगों में से ऐसा जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं आप लोगों को पता होगा कि आँख के कॉर्नर से जब कोई भी परछाई जाएगी तो आपके आँख के कॉर्नर से पता चलता है साइंस ने इसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया इसको शैडो पीपल भी बोलते हैं लेकिन जब आप शेडो पीपल को देखते हैं तो वो छः फुट आठ फुट नौ फुट के होते हैं ये मुझे बिल्कुल छोटा सा एक तीन फुट का कुछ पार होते हुए दिखता था अच्छा ऐसा दो तीन बार मेरे साथ हुआ मुझे लगा कि मेरा भ्रम है या फिर कोई पासिंग सोल होगा क्योंकि पैरानॉर्मल रिसर्च मैं करता था तो ये मेरे लिए बहुत अचंभे की बात नहीं थी कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है मुझे लगा कि कोई भी होगा सोल अगले बार जब ध्यान करूँगा तो उसको प्रकाश की ओर ले जाऊँगा और उस वो कहानी ख़त्म हो जाएगी एक दिन मैं घर पर बैठ के कुछ लिख रहा था और मुझसे मिलने कोई व्यक्ति आने वाले थे तो जो आप में से लेखक हैं उनको पता है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं ना तो लिखने का एक धुन होता है और वो लै टूट जाए तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे तो मैं लिखने बैठ गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब अगर वो व्यक्ति आता है तो मेरे लिखने का लैट टूट जाएगा और मैं लिख नहीं पाऊंगा तो मैंने ऐसा ही बोला कि अच्छा हो अगर वो व्यक्ति दो तीन घंटे बाद आए ताकि मैं जो लिख रहा हूं वो पूरा हो जाए और ऐसा ही हुआ मैं लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं जब पूरा मैं दो तीन बार आप लिखोगे तो उसको काटते हैं फिर आप फिर से लिखते हैं वैसे लिखते लिखते दो तीन घंटे हो गए तीन घंटे तक वो व्यक्ति नहीं आया मैंने भगवती को शुक्र शुक्रिया कहा भैरव बाबा को शुक्रिया कहा कि चलो मेरे लिखने में कहीं विघ्न नहीं आया फिर मैं अपने कमरे से निकल के बालकनी में गया बाहर देखा तो उस व्यक्ति की गाड़ी खड़ी थी मैंने बोला चलो मौके पे आया है ये व्यक्ति वहां से निकल के मैं गया ड्राइंग रूम में ड्राइंग रूम में वो व्यक्ति बैठा हुआ था तो मैंने उससे बोला क्या दरवाज़ा खुला था क्या और मुझे खुद पे फिर रोष आया कि देखो इतना मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ कि मुझे दरवाजे तक का ध्यान नहीं है मैंने दरवाज़ा ही बंद नहीं किया था तो उसने बोला नहीं दरवाज़ा तो बंद था तो तुम अंदर कैसे आए तो उसने बोला मजाक कर रहे हो बोला क्या हुआ तो उसने बताया कि मैं आया था मतलब मैं <laughs> मैंने दरवाज़ा खोला उसको बैठने बोला और उसको बोला कि मुझे थोड़ा समय लगेगा अभी लिखने में तुम यहीं पर बैठो मैं एक बार लिख लूँगा तो फिर बाहर आऊंगा तब तक तुम टीवी देखो मैगजीन पढ़ो आराम करना आराम करो लेकिन दो घंटे मुझे अभी डिस्टर्ब मत करना मैं लिख रहा हूँ मैंने उसको बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैं पिछले तीन घंटे से अपने डेस्क से उठा ही नहीं हूँ और वो व्यक्ति अंत तक ये सोचता रहा कि मैं उससे मजाक कर रहा हूँ लेकिन असलियत मुझे पता थी कि मैं सच में एक बार भी पिछले तीन घंटे में नहीं उठा था तब वो मुझे लगा कि अब ये मामला सीरियस होता जा रहा है क्योंकि मैंने ऐसा कोई साधना भी नहीं किया था जिसके चलते ऐसे कोई शक्ति मुझे मिले जिससे मैं एक जगह हूँ और जैसे बड़े बड़े साधक होते हैं वो किसी और जगह पे पाए जाते हैं ये किसी न किसी आत्मा का चक्कर था फिर हम शरण में गए अपने गुरु महाराज का उनको पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है फिर चीजें हुई पता चला कि जहां हम साधना करते थे वहां से कलवा मेरे पीछे आ गया था वो मेरे पीछे और मेरे सुरक्षा घेरे के आसपास इसलिए आ पा रहा था क्योंकि वो किसी भी नकारात्मक सोच के लिए मेरे साथ नहीं जुड़ा था ठीक है फिर एक अनुष्ठान किया और उसको मुक्त किया प्रेत युनी से ये एक कहानी थी ये अच्छी वाली एक बार और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पीछे एक प्रेत लग गया ठीक है तो आप में से जो साधक हैं वो पंच साधना के बारे में जानते हैं कि पंचघोरियों का आह्वान होता है और पंचाघोरी आते हैं आपके साथ रहते हैं आपका मदद करते हैं हमारे एक मंत्र गुरु थे अच्छे तांत्रिक थे और तंत्र का उनका एक पूरा मतलब एक डर था उनके क्षेत्र में और जब वो अपनी गुरु की कहानी बताते थे तो वो उनसे भी तीस मार खान थे अब आपको पता होगा कि जो पूर्ण अघोरी होते हैं वो शरीर त्यागने के बाद भी विचरण करते हैं ठीक है वो दूसरा शरीर धर लेते हैं तो बिना अपने मंत्र गुरु को बताए एक दिन शमशान में हम बैठे थे और मैंने उस गुरु का आवाहन कर दिया उस अघोरी का आवाहन कर दिया दक्षिण मुख बैठ करके हाथ में कारण लेके मैंने आवाहन किया कि आप आइए मुझे पता नहीं था फिर क्या होगा हुआ भी कुछ नहीं हम लोग उन्हें खाए पिया और अपने घर आ गए रात्रि वेला अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे गले को दबा रहा है और इसमें स्लीप पैरलिस जैसा कोई बात नहीं था कि मेरा नींद खुला मैं हाथ पैर नहीं हिला पा रहा हूं या फिर मेरे छाती पे कोई बैठा है ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ मुझे सीधा पता चल रहा था कि मेरे गले को कोई दबा रहा है ठीक है और मैं थोड़ा स्ट्रगल किया उसके बाद भैरव बाबा से प्रार्थना किया लेकिन ये चलता रहा दो तीन मिनट तक चलता रहा और उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ मैं मरा नहीं यही बहुत था <laughs> मैं तुरंत दौड़ के आईने के पास गया तो मैंने वहाँ देखा कि मेरे गर्दन पर उंगलियों के निशान है जैसे कि किसी ने मेरा गला दबाया वो पूरा लाल था और ऐसा भी नहीं कि सपने में मैंने खुद अपना गला दबा लिया हो ऐसा होता नहीं है <laughs> तो फिर मैंने जो हमारे मंत्र गुरु थे उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि कभी भी अघोरियों का आवाहन ऐसे नहीं करते क्यों अघोरी मृत्यु के बाद भी साधना में रहते हैं और बहुत उग्र रहते हैं जो उनके शरीर तजने से पहले उनका जो व्यवहार रहता है वही रहता है और तुम्हें ना वो जानते थे और तुमने मेरे बगल में बैठ के दुहाई दे करके उनको बुला लिया तो वो आपसे नाराज़ थे इसीलिए वो आए उसके बाद फिर पूरे एक तरीके से उनको विदागरी दे करके मैंने विदा किया कि आप आए बहुत खुशी की बात है आपने गलत दबाया और भी खुशी की बात है लेकिन अब आप यहाँ से जाए जिस विषय में मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था वो उसके प्रिंसिपल का यूनिवर्सिटी के, के वाइस चांसलर थे तो मेरा कोई भी जो बंधन आ, उनके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं था उन्होंने एक सबक सिखाया और वो चले गए ये दो घटनाएं मेरे साथ बहुत प्रत्यक्ष हुई जीवन में लेकिन क्योंकि मैं साधक था साधक हूँ और बहुत शक्तियां मेरे साथ भी जुड़ी हुई हैं बहुत सारी साधनाएं मैंने कर रखी हैं तो ये एक अल्प अनुभव मेरे साथ हुआ लेकिन यही अल्प अनुभव आपके साथ हो ऐसा नहीं है आप जाते हो जब साधना करने आपके गुरु अगर बहुत ताकतवर नहीं है ठीक है तो जैसे मैंने बताया कि एक अघोरी के कहने पे मैं चला गया स्मशान वहां शराब दिया और मेरा जो एक पूरा व्यवस्था मतलब तो सप्ताह भर में ढह गया था इसीलिए मैं बोलता हूँ स्मशान से दूर रहिए हो सकता है कि आपका शरीर आपका परिवार आपका व्यापार सब स्मशान खुद में ग्रास कर ले क्योंकि स्मशान काली के अलावा बहुत सारी ऐसी शक्तियों का डेरा होता है जो नहीं चाहते हैं कि आप उनके उनके दिनचर्या में कहीं भी घुसें ठीक है आज के लिए इतना ही और कथा अगले शनिवार मैं आप लोगों को सुनाऊंगा किसी और महान गुरु का सोच के रखा है उससे भी आप लोगों को कई सीखें मिलेंगी। मसान से दूर रहें भगवती भैरव की सेवा करें आज के लिए इतना ही जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो आसन बंधन बंधन सीखना चाहते हैं जो आगे चल के हमारे पंथ दीक्षा लेना चाहते हैं वो पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन एट एट फाइव एट फाइव हर एक बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप है उसमें रूटरना डेट फोर आप सर्च करेंगे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से तो आप उनसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे डब्ल्यू 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 डॉटी डॉट डॉट कॉम ये मेरा वेबसाइट है उस पर भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी आज के लिए इतना ही भगवान भैरव आप सभी की रक्षा करें ऐसी मुझे कामना है